टॉपिक डालो अब आप लोग। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक प्रेशर। किसी चार्ज कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। तो चार्ज कंडक्टर कैसा चार्ज कंडक्टर होगा, स्फेरिकल होगा, हमें कोई शेप के बारे में इसने मेंशन नहीं कर रखा है। तो किसी भी तरह के शेप का कोई चार्ज कंडक्टर हो सकता है। मान लो इस तरह का चार्ज कंडक्टर है और मुझे पता है कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो चार्ज कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं, किसी भी कंडक्टर में जो चार्जेस होते हैं वो कहां पर होते हैं, चार्जेस इनसाइड होते हैं या सरफेस पर होते हैं? सरफेस पर होते हैं। किसी भी चार्ज कंडक्टर पर जो चार्जेस होंगे वो चार्जेस कहां पर होंगे? सरफेस पे वो चार्जेस होंगे। तो चार्जेस कहां पर है? सरफेस पर। अब मुझे क्या करना है, इसके ये सरफेस है, मान लो ये सरफेस ले ली, इस सरफेस के जस्ट बाहर थोड़ा सा बाहर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, कैसे फाइंड करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो मैं क्या करूंगा, एक गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, एक सिलेंडर को अज्यूम कर देता हूं। इस तरह से एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया मैंने, छोटा सा सिलेंडर है, बहुत ही छोटा, ठीक है, जितना आप सोच सकते हो उससे भी छोटा। और तो ये सरफेस जो होगी, ये सरफेस ऐसा स्ट्रेट लाइन की तरह वर्क करेगी, एक प्लेन सरफेस की तरह वर्क करेगी। आपको यहाँ पर कर्व सरफेस दिख रही है, लेकिन ये सरफेस इतनी छोटी है कि वो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगी। बात समझ में आई? ये क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम लोग गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो कुछ इस तरह से बाहर निकल रही होगी और इसका एरिया वेक्टर, मैंने बताया था कोई भी क्लोज सरफेस हो तो उसका एरिया वेक्टर जो होता है वो आउटवर्ड होता है बाहर की तरफ। तो इसका एरिया वेक्टर भी इस तरफ होगा, दैट इज एन कैप। और मैंने मान लिया ये जो एरिया है, ये जो एरिया है इसका एरिया मान लिया मैंने लैट डी है। क्योंकि डी है क्यों माना है, क्योंकि बहुत ही स्मॉल एरिया है, तो मैंने इसका एरिया सपोज कर लिया डी है। अभी जो कंडक्टर था, इस कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी थी हमको सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। इस कंडक्टर की चार्ज डेंसिटी दे रखी थी हमको कितनी, सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब मैं यहां पर लगाऊंगा अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस ने क्या बोला कि क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए वैक्टर इक्वल टू होगा क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए वैक्टर के बीच में एंगल कितना, एरिया वैक्टर भी इस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, तो ई डी ए की जगह डी ए ही आएगा, कॉस जीरो। और क्यू इन कितना, क्यू इन हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एरिया। क्यू इन कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू डी ए बाय एप्सिलॉन नॉट। डी ए से डी ए कैंसल, तो ई कॉस जीरो ये वन होता है, तो ई इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि
हमने जब गॉस लॉ पढ़ा था, तो हम लोग लिखेंगे यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही चार्जेस के कारण है जो गॉसियन सरफेस के अंदर प्रेजेंट है और जो गॉसियन सरफेस के बाहर प्रेजेंट है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड गॉसियन सरफेस, जीएस लिख रहा हूं शॉर्ट में, गॉसियन सरफेस के जो बाहर और अंदर, उन दोनों ही चार्जेस के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे फाइंड करना है, मान लो कि जो अंदर वाले चार्जेस है, इन अंदर वाले चार्जेस के कारण की ही कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो, अगर मैं अंदर वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इसी पार्ट इसी का टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है उन चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो, जो मैंने पॉइंट लिया था वो पॉइंट जस्ट आउटसाइड था, सरफेस के जस्ट क्या था, आउटसाइड था। तो जैसे मान लो ये सरफेस है और ये पॉइंट है आपका P, यहां पे ये चार्जेस है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इस पॉइंट के लिए ये जो सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस वाली बता रहा हूं मैं, सिर्फ गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, बाहर की तो बात भी नहीं कर रहा। तो गॉसियन सरफेस है इस पॉइंट के लिए पी, तो ये गॉसियन सरफेस अगर इनफाइनाइट की तरह वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो बहुत ही क्लोज है, बहुत ही नियरर है। हाँ, अगर आप किसी, जैसे ये चौक है, ये चौक भी मेरे लिए क्या हो सकती है, इनफाइनाइट। कब, अगर मैं इस चौक के बहुत ही नियरर पॉइंट लू तो उसके लिए चौक क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो ये पॉइंट क्या किसकी तरह वर्क करेगा, तो आप लिखोगे पॉइंट पी इज वेरी नियरर, पॉइंट पी इज वेरी नियरर टू सरफेस, सो सरफेस एक्ट अस, सरफेस एक्ट अस इनफाइनाइट शीट, सरफेस जो है वो इनफाइनाइट शीट की तरह वर्क करेगी। और इनफाइनाइट शीट के कारण मान लो इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको E1 बोल देते हैं, यहां पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट इनसाइड गॉसियन सरफेस, दैट इज E1। अब ये इनफाइनाइट शीट है, तो इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पर, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूं, किसी इनफाइनाइट शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय, कोई अगर इनफाइनाइट शीट है आपके पास तो उसके कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये याद करना है आपको, किसी इनफाइनाइट शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस पी पॉइंट पर ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बस डायरेक्टली याद रखना है, गॉसियन सरफेस के कारण जो अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ये फाइंड करना है कि जो गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस प्रेजेंट आउटसाइड द गॉसियन सरफेस, आउटसाइड द गॉसियन सरफेस,
वो चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के बाहर है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोलते हैं हम लोग। E2 बराबर क्या होगा, E माइनस E1, E क्या है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, E1 क्या है अंदर वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड में से अगर मैं अंदर वाले चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बाहर वाले जो चार्जेस है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो E की E कितना आया था आपका, E नेट अभी हमने सॉल्व किया था, E आया था आपका सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट यस, अंदर वाले के कारण कितना आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये भी आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई, ये आपका E2 हो जाएगा, बाहर जो चार्जेस प्रेजेंट है उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। कोई डाउट? नो सर, नो डाउट। ठीक है, अब देखो आगे, नोट कर लिया ये? यस सर, कर लिया सर नोट। अब जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस है हमने कैसे बनाया था, इस तरह से कोई भी बॉडी बना दी थी मैंने और ये गॉसियन सरफेस बना दी थी, इसके अंदर भी चार्जेस है, बाहर तो चार्जेस है ही, ये तो इमेजिनरी सरफेस है आपकी गॉसियन सरफेस, ये इमेजिनरी आपने मान लेते हो सर, ठीक है, ऐसा कोई होता नहीं है, आप इमेजिनरी मानते हो कि इस तरह की सरफेस हमने अज्यूम कर ली। अब देखो इस सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है और ये जो बाहर जो चार्जेस प्रेजेंट है, तो बाहर वाले चार्जेस इस सरफेस के जो चार्जेस है अंदर जो सरफेस के अंदर है, क्या इस पे फोर्स लगाएंगे, इसको रिपेल कर रहे होंगे, अगर क्या इसको रिपेल कर रहे हैं, क्या गॉसियन सरफेस के बाहर जो चार्जेस प्रेजेंट है क्या वो इसके अंदर वाले चार्जेस को रिपेल कर रहे होंगे, मतलब फोर्स लगा रहे होंगे उस पर, कितना फोर्स लगा रहे होंगे, फोर्स ऑन चार्जेस, फोर्स ऑन चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्जेस प्रेजेंट है उस चार्जेस पे कितना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कैसे निकालोगे। तो देखो जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, इधर Q2 चार्ज है, तो Q1 Q2 पे ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, F इक्वल टू क्या लिखते हैं, F इक्वल टू एक तो होता है के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, सुना होगा कूलाम्स लॉ, और एक और आपने सुना होगा F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू ई भी सुना होगा आपने। तो अगर आप ध्यान से देखो यहां पर क्यू ए क्यू वन बाय आर स्क्वायर ही क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, F इक्वल टू Q2 into E1। तो अगर मुझे इस चार्ज पर फोर्स निकालना है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा कि ये चार्ज यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से इस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा फोर्स निकल जाएगा Q2 into E1। आई बात समझ में? यस सर। तो यहां भी हम लोग यही करेंगे, यहां भी हम लोग सेम कंसेप्ट का यूज करेंगे, यहां पर भी क्या लगाएंगे हम लोग, F इक्वल टू क्यू ई, ई कौन सा, ई नेट होगा कि बाहर वाले चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पर इस पे फोर्स निकालना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी लेंगे, और मैं बाहर वाले चार्जेस के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेंगे, तो Q in into E2। बात समझ में आ रही है मेरी, मेरी बात समझ में आ रही है क्या, अंदर वाले चार्जेस पे फोर्स निकालना है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेना है आपको, आपको बाहर वाले चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इन पर यहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू लेनी है, तो उसकी वैल्यू क्या है E2, और Q in कितना है, Q in बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया क्यू इन हो जाएगा। E2 कितना आया था अभी, E2 आया था आपको याद हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है
E2 है चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख लो चाहो तो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटसाइड चार्जेस, ऐसे लिख लो आउटसाइड चार्जेस, बाहर के जो चार्जेस है उसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसके आउटसाइड, गॉसियन सरफेस के आउटसाइड। तो यहां से आप सॉल्व करोगे इसको तो फोर्स आ जाएगा कितना, सिग्मा इंटू सिग्मा सिग्मा स्क्वायर डी ए एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो हो गया फोर्स, अब एरिया को डिवाइड कर दो फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, सुना होगा आप लोगों ने, प्रेशर होता है, फोर्स अपॉन एरिया पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाएगा आपका, प्रेशर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, प्रेशर। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला है आपके पास, इलेक्ट्रिक प्रेशर इक्वल टू आ गया है सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसको ध्यान रखना, कोई पूछे इलेक्ट्रिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, सिग्मा स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन। यहां पर सिग्मा क्या है, सिग्मा यहां पर लोकल चार्ज डेंसिटी है, लोकल चार्ज डेंसिटी। एक तो लोकल चार्ज डेंसिटी, इसमें मतलब अंतर क्या है, लोकल चार्ज डेंसिटी क्या है मतलब, सर उसके आसपास के चार्जेस के, हाँ क्या होता है कि जैसे बॉडी अगर मान लो सिमेट्रिकल नहीं है आपकी, यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, तो क्या होगा इसके चार्जेस अलग अलग होंगे, जहां पर ये ज्यादा, क्योंकि मैंने बताया था जो सिग्मा होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, इनवर्सली जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर सिग्मा ज्यादा होगा। कम मतलब जैसे मान लो आपने एक नीडल ले ली और नीडल को चार्ज किया, तो इस पॉइंट पर इसका रेडियस क्या होगा, कम होगा, तो यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस पोर्शन के, जो उसका टिप होता है नीडल का, वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। आई बात समझ में, हाँ जी सर, ठीक है। तो ये फॉर्मूले वगैरह है कुछ इलेक्ट्रिक प्रेशर का, डेरिवेशन वगैरह।